हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का मराठी सब्जेक्ट और उसका पहला स्थूल वाचन रैपिड रीडिंग दैट इज मोठे होत असलेल्या मुलांनो। इसे लिखा है डॉक्टर अनिल काकोडकर ने और ये एक लेटर फॉर्मेट में है आज की जनरेशन के लिए, यानी कि आप बच्चों के लिए ये एक मैसेज है डॉक्टर अनिल काकोडकर की तरफ से। ये हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज देना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए प्रेजेंट आवर में, हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन बातों को फॉलो करना चाहिए और किन बातों को नहीं फॉलो करना चाहिए, हमें कैसा स्वभाव अपनाना चाहिए, किस टाइप का एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे इस लेटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जैसे कि मैंने प्रीवियस मराठी लेसन्स में किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं मोटे होत असलेल्या मुलांनो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो हमेशा से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है आप सभी से, वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद हेमा को और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मोटे होत असलेल्या मुलांनो। भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ, भारतीय अणु ऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष, भारत सरकारच्या पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित। तो ये अब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनिल काकोडकर की, कि ये भारत के एकदम सुप्रसिद्ध जो है यानी कि फेमस ये हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। अणुशास्त्रज्ञ मीन्स न्यूक्लियर साइंटिस्ट। और भारतीय अणु ऊर्जा, अणु ऊर्जा मीन्स एटॉमिक एनर्जी मंडळाचे, मंडळ यानी बोर्ड बोल सकते हैं ना, एक बोर्ड ऑफ मीटिंग, बोर्ड ऑफ कमिटी होता है। तो जो एटॉमिक एनर्जी का बोर्ड है उसके एट प्रेजेंट ये अध्यक्ष है ना, माजी अध्यक्ष, माजी यानी एट प्रेजेंट ये अध्यक्ष है। भारत सरकारच्या पद्म विभूषण पुरस्काराने सन्मानित और प्लस ये भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण अवार्ड से ऑनर भी किया है। मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे। अब ये जो लेटर लिखा है डॉक्टर अनिल काकोडकर ने, ये किन लोगों को एड्रेस किया है, ये किन लोगों के लिए लिखा है? ये लिखा है मोठे होत असलेल्या मुलांना, यानी कि जो ग्रोइंग एज वाले बच्चे हैं, आप सब जो 10th के बच्चे हैं, इनके लिए ये लेटर लिखा गया है। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामांमधून होत असते, म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठी कामे करताना अडचणीत येत नाहीत, असा संदेश ते या पाठात देतात। यानी कि क्या मेसेज दे रहे हैं कि कोई भी बड़ा काम अगर हमें करना है, उसकी शुरुआत करनी है, तो उसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे काम हमको करना पड़ता है। ये तो बहुत सारे छोटे छोटे काम करेंगे तब जाके वो एक बड़ा काम होगा, और इसीलिए छोटे कामों को हमें कभी भी छोटा दर्जा नहीं देना चाहिए, हमें उन्हें भी उतनी ही शिद्दत से, ईमानदारी से करना चाहिए जितना कि हम सोचते हैं कि हम कोई बड़ा काम करेंगे, और ये करने की हमें हमेशा आदत होनी चाहिए, सवय ठेवली। तो अगर हमने ये आदत रखी तो बड़ी काम में तो हम बिना मतलब किसी अड़चन के, बिना किसी रुकावट के एकदम आसानी से कर लेंगे। तो यही मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं कि किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, और अगर आपको बड़ा काम करना है तो शुरुआत आपको छोटे काम से ही करनी पड़ेगी। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, मतलब ग्रोइंग स्टूडेंट्स, उनको एड्रेस किया है ये लेटर, उनको लिखा गया है। या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्क मधील दोन अनुभव सांगणार आहे। अब वो बोल रहे हैं कि इस लेटर के थ्रू मैं आप सभी को बार्क में मेरे साथ जो दो घटनाएं घटी है, जो दो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ। एक्सपीरियंस तो बहुत सारे किए हैं लेकिन दो खास एक्सपीरियंसेस वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं डॉक्टर अनिल काकोडकर। मला खात्री आहे माझे हे दोन अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील। प्लस वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो मुझे पक्का यकीन है इस बात का कि ये मेरे जो दोनों भी एक्सपीरियंस जब मैं तुम्हें शेयर करूंगा, आपके साथ में शेयर करूंगा, तो आप सभी को वो एक्सपीरियंस जो है और अच्छे पढ़ाई करने में और अपना गोल सेट करने के लिए हेल्प करेंगे, है ना, भूमिका निश्चित करायला मदद करतील। भूमिका निश्चित करायला मतलब टू डिटरमाइन योर रोल इन योर लाइफ, कि तुम क्या करने वाले हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो अब वो शुरू कर रहे हैं। तर मुलांनो, आधी मी माझे दोन अनुभव सांगतो। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं मेरे दोनों एक्सपीरियंस बताता हूँ। हे दोन्ही अनुभव मी कॉलेज संपवून बार्क मध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे आहे। अब ये दोनों ही एक्सपीरियंस कब किया है लेखक ने, जब वो अपना कॉलेज का पढ़ाई खत्म करके बार्क में एज अ ट्रेनर जुड़े थे,
मतलब ट्रेनिंग के लिए जब जुड़े थे बार्क से, ये तब के हैं। अब बार्क क्या है? अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल। बार्क मीन्स व्हॉट, ये तो क्वेश्चन तुमको आया ही होगा। सांगतो, बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। मतलब ये क्या है? बार्क इज एक्चुअली ये एक शॉर्ट फॉर्म है, BARC, बार्क। बार्क किसके लिए शॉर्ट फॉर्म है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए। म्हणजे भाभा अनुसंशोधन केंद्र, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अनुसंशोधन यानी अणु इज एटम और संशोधन यानी रिसर्च, तो यानी कि ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। या नावाने लघु रूप आहे, ये लघु रूप मतलब शॉर्ट फॉर्म है ये, है ना। बार्क, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का शॉर्ट फॉर्म है बार्क। होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला। अब होमी भाभा जो है उन्होंने इंडिया में जो अणुसंशोधन यानी कि जो एटॉमिक रिसर्च है इसका फाउंडेशन उन्होंने लीड किया, पाया घातला मतलब फाउंडेशन डाला, शुरुआत की। म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी, डॉक्टर भाभा ने शुरुआत की थी, इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस इंस्टीट्यूशन को भाभा नाम से हम जानते हैं। तो इसीलिए उनका नाम जो है इस संस्था को, इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला। तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी आहे, तो तब से लेके आज तक बार्क जो है वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाली होती, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग स्कूल में गया था तो तब ये ऑर्गेनाइजेशन सुरू होके सिर्फ कुछ करीब 7-1 साल हुए रहेंगे, 7 इयर्स। आम्ही जवळपास 100 मुले मुली होती, हम करीब करीब 100 लड़के लड़कियां थे। मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी भाभा 3-4 वेळा आले होते, और जब मैं ट्रेनिंग स्कूल में था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, बार्क में, तो उस वक्त जितना टाइम मैं ट्रेनिंग सेंटर में था उतने टाइम में 4 से 5 बार भाभा जो है, होमी भाभा जो है वो यहाँ पे कंपनी में आए थे। तो वो जब आए थे, जब मैंने उनको देखा तो वो प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होते थे, यानी कि बहुत ही मोटिवेशनल इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी थे वो, ऐसे दिखते थे वो, दिखने में एकदम मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी थे। एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, एक बार हमने उनसे पूछा, आम्ही इतकी मुलं मुली आहोत पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथे? तो एक बार हम लोगों ने जस्ट भाभा से पूछ लिया, डॉक्टर भाभा से, कि हम तो इतने सारे बच्चे हैं, है ना, करीब 100 के करीब ये ट्रेनर्स आए थे। तो उन्होंने पूछ लिया कि हम तो इतने सारे बच्चे हैं, क्या हम सबके लिए इनफ हो, उतना काम हमको मिलेगा यहाँ पे? ते म्हणाले, तुम्ही त्याची काळजी का करता? तो क्या बोले होमी भाभा, कि तुम उसकी चिंता क्यों करते हो, काळजी का करता मतलब चिंता क्यों करते हो, तुम्ही सर्वजण संशोधन करत रहा, आप सब लोग संशोधन करते रहो, संशोधन मतलब रिसर्च करते रहो, त्यासाठी सरकाराला खर्च किती येतो याचा आता विचार करू नका, और रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट को कितना खर्चा बैठेगा इसका तुम बिल्कुल भी विचार करो मत, मतलब इस बारे में बिल्कुल सोचो मत कि कितना खर्चा आएगा, तुम सिर्फ एक कोई भी टॉपिक ढूंढो तुम्हारे लिए और तुम उसके ऊपर रिसर्च करो। मात्र एक करा, तुम्ही स्वतःच काम निर्माण करा, और प्लस वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि तुम ये एक काम कर सकते हो, तुम अपना काम खुद बनाओ कि तुम क्या करोगे, यू मेक योर ओन वर्क, यू डेव्हलप योर ओन वर्क, आपण काय काम करायचं हे तुम्ही स्वतःच ठरवा, अब तुम खुद डिसाइड करो कि तुमको क्या काम करना है, बॉस ने सांगितलं तेवढंच काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, हे चूक आहे। अब बॉस ने कहा है कि तुम्हें ये काम करना है तो तुम उतना ही करोगे, या फिर बॉस ने अगर कुछ काम ही नहीं कहा है तो तुम कुछ काम ही नहीं करोगे, तो ऐसा ये एकदम गलत है, ऐसा हमको नेचर जो है, हमारा एटीट्यूड जो है काम की तरफ हमारा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लिमिटेड काम करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें तो निरंतर काम करते रहना चाहिए ना। तो इसीलिए भाभा ने यही कहा है, भाभा ने सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला, तो ये जो बात भाभा ने कही है ना वो मेरे मन में जैसे एक इंस्क्राइब हो गया है, एक इंस्क्रिप्शन हो गया है मेरे मन में, और वो मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं भूलूंगा, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा वो एक्सपीरियंस। आणि मुलांनो, और फिर वो हम बच्चों के वापस से बोल रहे हैं ये डॉक्टर अनिल काकोडकर, स्वभाव स्वानुभवाने सांगतो मतलब सेल्फ एक्सपीरियंस से वो बता रहे हैं, एकदा ते हे लक्षात आला ना तर स्काय इज द लिमिट, मतलब एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना कि आपको क्या करना है तो फिर स्काई इज द लिमिट, फिर तो आपको रुकना ही नहीं है, फिर तो आगे ही बढ़ते रहना है। इसीलिए कहा गया है द स्काई इज द लिमिट, यानी कि स्काई इतना बड़ा है
इनफाइनाइट है, आप जितना चाहो उतना काम करो, कोई काम की कमी नहीं है, जितना चाहे उतना उड़ो, ऊपर उठो, कोई मनाही नहीं है। तो वो बहुत बहुत अच्छी बात यहाँ पे उन्होंने कही है। वो कह रहे हैं कि बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षापर्यंत ठीक आहे। वो कह रहे हैं कि आप अगर किसी की उंगली पकड़ के चल रहे हो या उंगली पकड़कर आप रास्ता देख रहे हो तो ये 8-10 साल तक के बच्चों के लिए ठीक है। हाँ, आवश्यक है, और उतने साल तक के बच्चों को तो जरूरी भी है कि उनको हाथ पकड़ के हमें चलना सिखाना चाहिए, देखना सिखाना चाहिए, पण अंतिमतः स्वतः स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे। लेकिन बाय द एंड आपको खुद को ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना आना चाहिए, है ना। ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे। आपको आपकी उतनी वो एनर्जी मिलनी चाहिए और आपका रास्ता भी आपको खुद को मिलना चाहिए। आपको कोई हाथ पकड़ के रास्ता दिखाए वैसा नहीं होना चाहिए, हाथ पकड़ के आपका अपने हाथों से खाना खिलाए वैसा भी नहीं होना चाहिए, है ना, स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए। तो आप खुद की अपनी एनर्जी क्रिएट करो, बनाओ और अपना खुद का रास्ता ढूंढो। ये भाभा जो होमी भाभा जो है उनका कहना ये है, और डॉक्टर अनिल काकोडकर ने ये बात भले भांति समझ ली है डॉक्टर भाभा के मुंह से। उनके ये पहला एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे देख लिया। आता दूसरा अनुभव सांगतो, अब वो सेकंड एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं। ट्रेनिंग स्कूल मधील प्रशिक्षण संपून मी बार्क मध्ये इंजीनियर म्हणून जॉईन झालो। ट्रेनिंग स्कूल में उन्होंने सारी अपनी ट्रेनिंग ले ली, प्रशिक्षण यानी कि सारी ट्रेनिंग ले ली, और फिर वो खत्म करके वो बार्क में ही एज एन इंजीनियर जॉईन हो गए। तेव्हा तिथे मेटलायझिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आलं। मेटलायझिंग ऍक्टिव्हिटी पर मुझे काम करने के लिए कहा गया था वहां पर। मेटलायझिंग मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर मेटल का पत्रा चढ़ाना होता है। आमच्याकडे त्यासाठी यंत्र सामग्री होती और हमारे पास बार्क में सभी टाइप की मशीनरीज थी ये काम करने के लिए, पण कोणीही ती वापरली नव्हती, लेकिन किसी ने भी वो मशीन्स यूज नहीं की थी। म्हणून मी म्हणालो, और इसीलिए मैंने कहा था कि मी यावर काम करतो, कि मैं इस मेटलायझिंग प्रक्रिया पर काम करूंगा, पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फोरमॅन यांची गरज आहे। लेकिन इसके लिए मुझे एक वेल्डर और एक फोरमॅन की जरूरत पड़ेगी। वेल्डर मतलब जो वेल्डिंग का काम करते हैं, और फोरमैन मतलब जो सुपरवाइज करता है या गाइड करता है दूसरे वर्कर्स को कि कैसे काम करना चाहिए। तो तेव्हा मला सांगण्यात आलं, आता तुला काहीच मदत मिळणार नाही। तो जब मैंने डिमांड की कि मुझे एक वेल्डर और एक फोरमैन चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा कि अभी तुझे कोई भी मदत नहीं मिलेगी, तुला स्वतःलाच सर्व करावं लागेल, तुझे खुद को ही सब काम करना पड़ेगा। वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली, क्योंकि ये बड़े लोगों का ऑर्डर था मेरे लिए, तो मैंने शुरुआत कर दी काम के लिए आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केले, और बहुत कुछ धड़पड़ करके आगे पीछे करके मैंने वो काम पूरा किया। मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली। अब मैंने एक बार जब काम पूरा कर लिया तो उन्होंने मेरे काम का स्कोप बढ़ा दिया, यानी कि मेरे काम को वाइडन कर दिया। हे करूया ते करूया, मतलब मेरे काम को और बढ़ा दिया कि ये भी करना है वो भी करना है, असं बरंच काय काय म्हणाले, और ऐसे बहुत कुछ बताया कि क्या क्या करना है। आणि मग विचारलं, और फिर बाद में उन्होंने पूछा मुझे, आता सांग तुला काय पाहिजे, कि अब तू बता तुझे क्या क्या चाहिए। पहले उसने मांगा था वेल्डर और फोरमैन, लेकिन तब नहीं दिया था, और लेकिन अब वो सामने से चला के पूछ रहे हैं कि अब तुझे क्या क्या चाहिए। तुला वेल्डर मिळेल, फोरमैन मिळेल, आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिळेल, मतलब तुम्हें अभी वेल्डर भी मिलेगा, फोरमैन भी मिलेगा, और जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। तो यावर मी म्हणालो, इस पर मैंने कहा कि आता मला काहीच नको, अब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मी स्वतः सर्व करीन, मैं खुद ही सारा काम कर लूंगा। तेव्हा ते म्हणाले, तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा, काम शुरू करने आधीच लोग काय काय मागण्या करतात, है ना, काम शुरू करने के पहले ही लोग क्या क्या डिमांड्स रखते हैं, आणि या वृत्तीमुळेच आतापर्यंत ते काम झालेलं नव्हतं, और उनके इसी ॲटिट्यूड के वजह से आज तक वो काम हुआ ही नहीं। म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फोरमॅन द्यायला नाही म्हणालो होतो, इसीलिए हमने तुम्हें वेल्डर और फोरमॅन नहीं दिया था, क्योंकि जो डिमांड्स रखते हैं वो खुद नहीं कर पाते हैं काम, वो दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोग घे, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि अब तुम तुम्हारे अंडर में जितने चाहिए उतने लोग ले लो, आता ते तुझ ऐकतील, अब ये लोग तेरी बात सुनेंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे, कारण त्यांनी पाहिलंय तू हे करू शकतोस, क्योंकि इन सभी लोगों ने देखा है कि तुम ये कर सकते हो, आणि आता हे ही लक्षात घे, और अब ये भी बात ध्यान में रखो कि एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही, कि अकेला आदमी ज्यादा काम नहीं कर पाता है, उसे हमेशा हेल्पर्स की जरूरत होती है, लेकिन उसे काम करना आना चाहिए, भले हेल्पर्स हो लेकिन उसे काम करना आना चाहिए। थोडक्यात काय, तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा। तो थोड़े में अगर मैं कहना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा था कि तुम कर सकते हो, पहले ये तुम करके दिखाओ, मग इतराना काम सांगा।
तो पहले तुम खुद करके दिखाओ अपना काम और फिर बाद में तुम दूसरों से काम करवाओ या काम दूसरों को काम बोलो. आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नाही. जब हमको खुद को ही काम नहीं आता है और हम वो दूसरों से करवा रहे हैं तो वो एकदम गलत बात हो जाती है. योग्य नहीं मतलब सही नहीं होता है. हाँ धड़ात्या दूसरे अनुभवाने मी शिकलो. तो ये लेसन मैंने उस दूसरे अनुभव से सीखा. पहले अनुभव से क्या सीखा मैंने कि आप अगर खुद में डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है तो स्काई इज द लिमिट. यानी कि खुद से काम क्रिएट करो. अगर आपके पास नहीं भी काम है, आपके बॉस ने आपको नहीं भी कुछ बोला है करने के लिए, तो भी खुद से काम क्रिएट करो. और सेकंड में हमने क्या सीखा है कि डिमांड करने से पहले हमें वो चीज खुद सीखनी चाहिए और फिर उसके बाद में डिमांड करना चाहिए. ठीक है. तो तर मुलानो, अब फाइनली वो कंक्लूड कर रहे हैं अपना लेटर. तर मुलानो, जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे दोन अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात. करीब करीब 50 इयर्स हो गया है उनको भाभा एटॉमिक रिसर्च से जुड़कर, और 50 इयर्स के बाद में भी ये दोनों के दोनों ही एडवाइसेस या उनके जो एक्सपीरियंस है उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लगते हैं कि ये दोनों भी उनके जो एक्सपीरियंस है ये उनके लिए आज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. यातील आशय तुम्ही आज आताच नीट समजून घेतला. आशय मतलब कि आप इसका मीनिंग समझ लो कि आप क्या समझे इस पूरे इसमें से. तो नतीजा ये है कि हम अभी से ही अगर कोई भी चीज को अच्छे से समझ के ले लेंगे, आताच नीट समजून घेतला, अभी किसी चीज को अच्छे से समझ के ले लेंगे तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदाच होईल. तो बड़े होने का जो तुम्हारा ओकेशन होता है तो उसमें तुमको इसमें फायदा ही होगा अगर तुमने अभी से सारा काम करना खुद का सीख लिया. याची मला खात्री आहे, इस बात का मुझे पक्का गारंटी है. तो ये मेरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म होता है. अब मैं सीधे चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ और वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. कृति है ये स्वमत अभिव्यक्ति. टीपा लिहा, टीपा यानी शॉर्ट नोट्स वगैरह यहाँ पे इसमें नॉर्मली पैसेजेस नहीं आते हैं, स्थूल वाचन है. बार्क, सबसे पहले बार्क और फिर बाद में डॉक्टर होमी बाबा. बार्क, बार्क म्हणजे BARC. तो बार्क का मतलब है BARC म्हणजेच भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटरचे लघुरू. भाभा, बी फॉर भाभा, ए फॉर एटॉमिक, आर फॉर रिसर्च सेंटर, ये शॉर्ट फॉर्म है BARC ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटरचे लघुरूप शॉर्ट फॉर्म आहे. बार्कला मराठीत भाभा अणुसंशोधन केंद्र असे म्हणतात. बार्क को मराठी में भाभा अणुसंशोधन केंद्र यानी कि एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी कहा जाता है उसे. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ऐसा भी कहा जाता है. डॉक्टर होमी भाभा है भारतातील थोर अणुशास्त्रज्ञ होते. डॉक्टर होमी भाभा भारत के बहुत ही बड़े एटॉमिक साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो बोलते हैं वो थे. त्यांनी भारतामध्ये अणुसंशोधनाचा पाया घातला. एटॉमिक जो रिसर्च है उसका फाउंडेशन उन्होंने रखा था इंडिया में. भारताचे अणुसंशोधनाचे होमी भाभा हे जनक पायोनियर होते. भारत का जो ये रिसर्च है, एटॉमिक रिसर्च है, उसके होमी भाभा जो है फाउंडेशन उन्होंने ले किया था, इसीलिए वो एक पायोनियर कहा जाते हैं कि द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड विद दिस. म्हणून त्यांचे नाव अणुसंशोधन केंद्राला दिले आहे. इसीलिए उनके नाम से ये जो है एटॉमिक रिसर्च सेंटर जाना जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना. सिर्फ एटॉमिक रिसर्च सेंटर नहीं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, क्योंकि ये उनके नाम से जाना जाता है. बार्क ही संस्था प्रचंड मोठी व नावाज लेली आहे. जो बार्क इंस्टीट्यूशन है बहुत ही बड़ी है और बहुत ही फेमस है. ही संस्था अणु ऊर्जे संबंधित संशोधनाचे महत्वपूर्ण कार्य आजपर्यंत निष्ठेने करीत आहे. तो ये जो संस्था है एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जितने भी रिसर्च वर्क है, इम्पोर्टेंट काम काज वगैरह है, वो आज तक वो बहुत ही फेथफुली करते आ रहे हैं. अगला क्वेश्चन, डॉक्टर होमी भाभा, ये भी टीपा लिखा है, डॉक्टर होमी भाभा के बारे में बताना है. डॉक्टर होमी भाभा है भारतातील विश्वविख्यात अणुशास्त्रज्ञ होते. ये एक भारत के बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं. त्यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला. उन्होंने भारत में एटॉमिक रिसर्च का जो है फाउंडेशन रखा. म्हणून त्यांचे नाव अणुसंशोधन केंद्राला दिले आहे. इसीलिए उनका नाम इस एटॉमिक रिसर्च सेंटर को दिया गया है. इसीलिए BARC म्हणजे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. त्यांचे व्यक्तिमत्व तरुण नवीन शास्त्रज्ञ पीढ़ीला स्फूर्तिदायक होते. उनका जो एक पर्सनैलिटी था वो नए नए जो साइंटिस्ट बनने वाले थे, उभरते हुए साइंटिस्ट, उन लोगों के लिए, उनकी जनरेशन के लिए बहुत ही मोटिवेशनल थे. लेखकांनी त्यांच्याबद्दल सांगितलेली एक आठवण आहे. लेखक ने उनके बारे में बताई हुई एक याद है. लेखक ट्रेनिंग स्कूलला शिकत असताना तिथे होमी 3-4 वेळा आले होते. तो जब लेखक ट्रेनिंग स्कूल में सीखते थे तो उस वक्त होमी बाबा वहां पे 3-4 बार आए थे.
मुला मुलींनी त्यांना विचारले की आम्हा सर्वांना पुरेल इतका काम आहे का. तो सभी बच्चों ने लड़के लड़कियों ने उनको पूछा की हम सबको मिले काम बहुत सारा उतना काम है क्या. तेव्हा बाबा म्हणाले की तुम्ही चिंता करू नका. तो उस वक्त बाबा ने क्या कहा की तुम सब कोई भी चिंता मत करो, तुम्ही सर्वजण संशोधन करा, तुम सभी लोग रिसर्च करो, तुम्ही स्वतःच काम निर्माण करा, अपना काम खुद बनाओ. काय काम करायचे ते तुम्ही स्वतःच ठरवा, क्या काम करना है तुम्हें वो तुम खुद डिसाइड करो फॉर युअरसेल्फ. बॉस ने सांगितले तेवढेच काम करायचे ही प्रवृत्ति चुकीची आहे, है ना. हमारे बॉस ने हमको जो भी कहा, जितना कहा हमने उतना ही किया, तो ये हमारा नेचर जो है वो गलत है, रॉन्ग है. या उद्गारातून होमी भाभा यांच्या संशोधनाच्या बाबतील सकारात्मक पॉझिटिव्ह दृष्टिकोन दिसून येतो. तो इन ही बात से होमी भाभा का संशोधन यानी कि रिसर्च के मामले में सकारात्मक यानी कि पॉझिटिव्ह ओपिनियन दृष्टिकोन यानी ओपिनियन दिसून येतो, पॉझिटिव्ह ओपिनियन दिक्कर आता है. सेकंड, स्काय इज द लिमिट ही परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकते ते मोठे होत असलेल्या मुलांना या पाठाच्या आधारे लिहा. अब स्काई इज द लिमिट, ये परिस्थिति हम कब निर्माण कर सकते हैं, कब ये बन सकती है परिस्थिति हमारे पास में, मार्च 20 में पूछा गया है ये. डॉक्टर होमी भाभा यांच्या मते स्वतःच काम निर्माण करणे व काय काम करावे हे स्वतःच ठरवणे हा सकारात्मक विचार प्रत्येकाने करायला हवा. जैसे कि हमने लेसन में भी पढ़ा था, तो डॉक्टर होमी भाभा के हिसाब से, उनके ओपिनियन के हिसाब से हमें खुद के लिए काम खुद ही क्रिएट करना चाहिए. और वो ऐसा अगर हम करते हैं तो हम बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं हमारे अंदर, तो ये सभी को होना चाहिए. बॉस ने हमें जितना काम कहा है हम उतना ही करें, ये गलत है. ये जो हमारा नेचर है वो फिर गलत हो जाएगा. चिंता करित न बसता, तो हमें बिना चिंता किए कामात गड़ून गेले कि स्काई इज द लिमिट ही परिस्थिति निर्माण होते. तो अगर हम बिना चिंता किए अपना काम करते जाते हैं तो तब ये परिस्थिति निर्माण होती है, स्काई इज द लिमिट. कोणीतरी बोट धरून चालवेल, मार्ग दाखवेल, ही स्थिती सुरुवातीला ठीक आहे, है ना. कोई तो भी आपका हात पकड़ के आपको चलता है, रास्ता दिखाता है, तो बचपन में ठीक है, 8-10 साल तक ये ठीक है. परंतु शेवटी स्वतःचे मार्ग स्वतः शोधणे, स्फूर्ती मिळवणे व कार्यात प्रवीण होणे हे ध्येय असावे. लेकिन जब शुरुआत में आपको किसी ने रास्ता दिखाया तो उसके बाद में कुछ 8-10 साल ठीक है, लेकिन उसके बाद में आपको खुद को ही अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, आपको वो एनर्जी मिलनी पड़ेगी और कार्यात प्रवीण होने है ध्येय असावे. और हर काम में आपको एक्सेल करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. यालाच स्काई इज द लिमिट असे म्हटले आहे, इसी चीज को स्काई इज द लिमिट कहा गया है. मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर काम न होण्यामागची कारणे कोणती असावीत असे तुम्हाला वाटते. अब मेटलाइजिंग प्रक्रिया जो थी उनकी, जो इवेंट था मेटलाइजिंग का एक्टिविटी, उसमें काम नहीं होने के क्या रीजंस थे ऐसे आपको लगता है. और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर लेखक डॉक्टर अनिल काकोडकर यांनी कसे काम केले हे तुमच्या शब्दांत लिहा. बार्क मध्ये लेखक इंजिनियर म्हणून रुजू झाले, है ना. बार्क में लेखक जो है एज एन इंजिनियर वहां पे जॉईन हो गए, रुजू झाले मीन्स जॉईन हुए. तेव्हा त्यांना मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर काम करायला सांगण्यात आले. उस वक्त उनको वहां पे मेटलाइजिंग एक्टिविटी पर काम करने के लिए कहा गया था. मेटलाइजिंग मैंने पहले ही बताया, किसी ऑब्जेक्ट पर मेटल का कवरिंग हम देते हैं उसे मेटलाइजिंग कहते हैं. त्या प्रसंगातून आपल्या मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर काम न होण्याची कारणे कळतात. और इसी बात से हमें पता चलता है कि मेटलाइजिंग प्रक्रिया पर काम क्यों नहीं हो रही थी. क्यों? क्योंकि वहां सभी सामग्री थी, यंत्र सामग्री, सभी टाइप की मशीन्स थी, लेकिन कोई भी उसे यूज नहीं कर रहा था. इंजीनियरला वेल्डर व फोरमैन लागतात. अभी कोई भी इंजीनियर हो उसको वेल्डर और फोरमैन तो लगेंगे ही लगेंगे. फोरमैन मतलब एक सुपरवाइजर काइंड ऑफ थिंग, जो लोगों से काम करवा के लेते हैं. तरी कोणी वापरत नाही, अब खाली पड़ा है लेकिन फिर भी कोई लोग जो है यूज नहीं कर रहे हैं. मशीन सब है लेकिन लोग यूज नहीं कर रहे हैं. डिमांड कर ली हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो मशीन आ गई लेकिन अब वो यूज नहीं कर पा रहे हैं. तो इसीलिए इंजीनियर जो है वो वेल्डर और फोरमैन की जब उसने डिमांड रखी थी तो वहां पे उनको कहा गया था कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना. इंजीनियरला वेल्डर व फोरमैन लगता परंतु आता काहीच मदत मिळणार नाही, तो उनको कहा गया था अभी तुमको कुछ भी मदत नहीं मिलेगी असे त्यांना सांगण्यात येते. त्यामुळे कोणाचीही मदत न घेता इंजीनियरला आधी सर्व कामे करायला लागतात. इसीलिए वहां पे कहा गया है कि किसी का भी हेल्प लिए बिना इंजीनियर को खुद को ही सारे काम करने पड़ते हैं. स्वतः सगळी कामे इंजीनियरला आली तर मग त्याला इतर माणसे हाताखाली मिळते. अगर किसी भी इंजीनियर को खुद को ही सारा काम करने आ गया तो फिर उस इंसान को उसके हाथ के नीचे और काम करने के लिए लोग मिलेंगे. और
ते आनंदाने काम करतील और ये लोग भी जो है बड़ी खुशी से काम करेंगे। आपल्याला येत नसताना दुसऱ्याला काम सांगणे योग्य नाही। अगर हमें ही काम नहीं आता है और हम वो किसी और से कह रहे हैं तो ये गलत बात हो जाती है। प्रथम आपण काम करायचे मग इतरांना सांगायचे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें अपना काम करना चाहिए और फिर दूसरों को कहना चाहिए कि हमने ये किया है। हे घडत नसल्यामुळे मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर काम होत नाही और अगर आपने ऐसा किया नहीं तो मेटलाइजिंग एक्टिविटी जो आप करने वाले हो इवेंट वो आपसे होगा नहीं। यानी कि आपको पहले खुद को काम करना आना चाहिए, ना कि पहले डिमांड करना चाहिए कि आपको ये काम करने के लिए ये चाहिए वो चाहिए। आधी केले मग सांगितले या उक्तीची यथा कर्था स्पष्ट करा। अब आधी केले मग सांगितले या युक्तीची उक्तीची, उक्ति मतलब एक सेइंग प्रोवर्ब फ्रेज, तो इसका एक हमें मीनिंग एक्सप्लेन करना है, स्पष्ट करना है। तो समर्थ रामदासांचे असे सुवचन आहे की आधी केले मग सांगितले। तो जो समर्थ रामदास हैं ये सुवचन है उनके कि पहले करो फिर बताओ। यातून फार मोठा मोलाचा संदेश संत रामदासाने दिला आहे ना, बहुत ही बड़ा वैल्युएबल मेसेज संत रामदास ने हमें दिया है इस उक्ति से। आपल्याला एक वाईट सवय असते, हम सभी को एक बुरी आदत होती है, वाईट सवय आणि बुरी आदत, ती म्हणजे आपली कामे दुसऱ्यांनी करावीत। और वो ये रहता है कि हम अपने काम दूसरों से करवाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हो, आपको फैन बंद चाहिए, तो आप किसी को बोल दोगे अरे फैन बंद कर दे, खुद उठ के कर देते, लेकिन आपने दूसरे को कहा। अभी समझो शाम हो रही है, आप पढ़ रहे हो तो आपको लाइट चाहिए, तो आपने मम्मी को बोल दिया बुला के मम्मी लाइट चालू कर दो, आप क्यों नहीं कर सकते थे खुद। तो इस तरीके से ये काम का मैं बता रही हूँ कि खुद का काम आपको खुद करना आना चाहिए, है ना। आपल्याला एक वाईट सवय असते, ये सब बुरी आदतें हैं हमें, ती म्हणजे आपली कामे दुसऱ्यांनी करावीत, दुसरे लोग करे। आपल्या आळशी प्रवृत्तीतून देरे हरी खटल्यावरी अशी भावना तयार होते, होणे गैर आहे। तो हमारी जो ये आळशी प्रवृत्ति है, जो नेचर है लेजी नेचर, उसमें से हमें ये एक पता चलता है बात, देरे हरी खटल्यावरी, कि हम हरी को कह रहे हैं कि तुम दो और हमें स्पून फीडिंग करो, मतलब हम जहां बैठे हैं हमें वहीं लाके दो खाना। खाना अगर आपको खाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, फिर सामान लाएंगे घर पे, फिर उसका बनाएंगे, फिर खाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दे रहे हरी खटल्यावरी, मतलब बना बनाया खाना दे दो ऐसा, तो ये एकदम गलत चीज हो जाती है। अशी भावना तैयार होने गैर आहे, ये भावना अगर हमारे अंदर आ जाती तो एक गलत भावना है। आपण परावलंबी न होता, यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हुए स्वतःची कामे स्वतः करण्याची जिद्द आपल्याला असायला हवी। खुद के काम खुद करने की जिद हमें होनी चाहिए। आपण स्वतः आपली कामे करण्यात कुशल असलो की आपण आपले उदाहरण दुसऱ्यांना दाखवू शकतो। अगर हम खुद का सारा काम खुद कर सकते हैं, कुशल है, स्किल्ड है हम सारे काम खुद करने में, तो हम दूसरों को एज एन एग्जाम्पल बता सकते हैं। स्वावलंबी होऊन आपली कामे आपण केली की दुसऱ्यांनाही विश्वास वाटतो, और अगर इंडिपेंडेंट होकर हमने हमारी काम की तो दूसरों को भी हम पर विश्वास हो जाता है। मग आपण दुसऱ्यांसाठी आदर्श आयडल होतो और फिर हम दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाते हैं, एक आयडल बन जाते हैं। यालाच आधी केले मग सांगितले असे म्हणतात, इसी को कहा जाता है कि आधी केले मग सांगितले, यानी पहले करो बाद में बोलो। प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणे हे अधिक परिणामकारक असते, हे विधान स्वभाव अनुभवातून स्पष्ट करा। अब ये जो विधान है प्रत्यक्ष अनुभवांतून शिकणे, मतलब खुद सेल्फ एक्सपीरियंस करके कोई चीज सीखना, तो हे अधिक परिणामकारक असते, ये ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है ऐसा वाला, है ना। खुद एक्सपेरिमेंट करके, खुद के एक्सपीरियंस से आप अगर कोई काम सीखते हो तो ये ज्यादा रिजल्ट देने वाला होता है। हे विधान स्वभाव अनुभवातून स्पष्ट करा। दिवाळीत रंगीत कागदी कंदील शोभा मला खूप आवडते, अभी कंदिलात है यहाँ पे। दिवाळीत रंगीत कागदी कंदिलाची शोभा मला खूप आवडते, मतलब दिवाली के टाइम पे जो कलरफुल पेपर्स का जो कैंडल बना, लेंटन बना रहता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई नेहमी बाजारातून छोटे कंदील विकत आणायची, मम्मी हमेशा बाजार में से छोटे कैंडल्स लेकर आती थी खरीद के। या वर्षी मी ठरवले की आपण स्वतः कागदी कंदील तयार करायचा, तो इस वर्ष मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही जितने भी कागज से कंदील जो है तयार करूंगा। बघू या जमते की नाही ते, देखते हैं हमें जमता है कि नहीं जमता है। मी स्वतः स्टेशनरीच्या दुकानातून रंगीत जिलेटिन कागद व काड्या आणल्या, तो मैं खुद जाके मैंने स्टेशनरी के शॉप से, दुकान से कलरफुल जिलेटिन पेपर और कुछ स्टिक्स लेकर आया। धाग्याचे बंडल आणले, नी दिवाळीच्या आदल्या सकाळी कंदील करायला घेतला। धाग्याचे बंडल आणले मतलब टाई करने के लिए धागे के बंडल्स भी वो लेकर आ गया
और दिवाली के पहले वाले दिन सुबह सुबह वो एक कंदील बनाने के लिए यानी लंडन बनाने के लिए बैठ गया कि मैंने कोशिश की पर कहीं मना साथे जमेना, लेकिन कुछ भी मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रहा था। मैं पुनः विस्फटायचो पुनः जुड़ायचो, मतलब मैं वापस से उस चीजों को बिखेर देता था जो मैं बनाया था और फिर वापस से जोड़ने की कोशिश करता था। नीट जमत न होते, बराबर से नहीं जम रहा था मुझे वो करना। दुपार झाली पण निश्चय केला की कंदील पूर्ण झाल्याशिवाय जेवायचे नाही। दोपहर हो गई लेकिन मैंने मन में निश्चय कर दिया था कि जब तक मेरा ये काम कैंडल बना के नहीं होगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। हळू हळू मला ते जमायला लागले, फिर धीरे धीरे ये चीज मुझे समझ में आने लगी और मैं ये करने लग गया। पूर्ण कंदिलाचा काड्यांचा सांगाडा तयार झाला, पूरे कैंडल्स का मैंने एक स्केलेटन जो है आर्किटेक्चर सांगाडा काड्यांचा सांगाडा वो मैंने तयार कर दिया था। मग त्यावर ताणून वेगवेगळे रंगीत कागद चिटकवणे सोपे गेले। फिर उसके बाद में मैंने उसको बराबर रख के उस पे मैंने कलरफुल जिलेटिंग पेपर्स जो है चिपकाए। अखेर खूब मेहनती नंतर खूब सुंदर कंदील तैयार। फाइनली बहुत ज्यादा मेहनत के बाद में बहुत सुंदर कैंडल जो है लंडन जो है तैयार हो गया। तेव्हा मला कळले की प्रत्यक्ष अनुभवांतून शिकणे हे अधिक परिणामकारक असते। तो तब मुझे समझ में आया कि सेल्फ एक्सपीरियंस से जब हम सीखते हैं तो वो ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसी के साथ यहाँ पे ये हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे सिक्योर। थैंक यू।